नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। सितारगंज में नदी में बाढ़ आने से नदी का जल स्तर व बहाव बढ़ गया, जिस कारण चितरंजन मंडल उपरोक्त अपने जानवरों के साथ नदी के बीचों बीच टीले में फंस गया। वहीं शक्ति फार्म चौकी प्रभारी अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सभी को सकुशल बाहर निकाला। सितारगंज में शक्ति फार्म में जानवर चराने सुखी नदी पार कर जंगल में जाने के बाद शाम को जब वो जानवरों को चरा कर नदी पार कर वापस घर आ रहा था, तभी अचानक सुखी नदी में बाढ़ आने से नदी का बहाव व जल स्तर काफी बढ़ गया, जिस कारण चितरंजन मंडल उपरोक्त अपने जानवरों सहित नदी के बीचों बीच रेत के टीले में फंस गया। वही शक्ति फार्म चौकी प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट अपनी पुलिस टीम के साथ रेस्क्यू किट लेकर स्थानीय व्यक्तियों को इकट्ठा कर तुरंत मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के उपरांत स्थानीय व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त कर लाइफ जैकेट रस्सी की मदद से उफनती हुई नदी में उतरकर चितरंजन मंडल उपरोक्त व सभी जानवरों को रेस्क्यू कर सकुशल नदी से बाहर निकाला गया। स्थानीय जनता द्वारा त्वरित गति से किए गए इस कार्य के लिए पुलिस का आभार प्रकट करते हुए पुलिस के उक्त कार्य की खुले दिल से प्रशंसा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। हमें करीब 6:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो सवेरे नदी पार करके अपने जानवर चराने के लिए गया हुआ था, तो शाम को जब वो नदी पार करके वापस लौट रहा था तो उसी समय नदी का जल स्तर बढ़ गया और जिस कारण नदी का तेज बहाव जल स्तर बढ़ने के कारण वो नदी के बीचों बीच फंस गया। इसके बाद हम लोगों ने यही मालखाने से जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है जैसे रस्सा और लाइफ जैकेट वगैरह और इसके अलावा ड्रैगन लाइट वगैरह हम लोग लेके मौके पहुँचे, तो अंधेरा क्योंकि काफ़ी हो चुका था और इसके अलावा फिर हमने कुछ लोकल्स इकट्ठा किए, फिर उनका थोड़ा मनोबल हम लोगों ने बढ़ा के उसके बाद पता चला कि चितरंजन मंडल नाम का व्यक्ति जो भट्टी नगर का ही रहने वाला है, करीब 65 वर्ष की उम्र थी इसकी, तो वो नदी के बीचों बीच फंस गया था। उसके बाद फिर लोगों की मदद से जो स्थानीय लोग थे हम लोगों ने नदी पार करके, हालांकि बहुत ज़्यादा तेज बहाव था, लेकिन उसके बाद नदी पार करके एक प्लानिंग के तहत उसको हमने रेस्क्यू किया। इसके अलावा करीब 12-13 जानवर जो उनको भी रेस्क्यू किया। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।